પલસાણાની એસડીજે સ્કૂલમાં હિન્દી દિવસ નિમિત્તે હિન્દી ભાષાની જનજાગૃતિ માટેનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો। સમગ્ર દેશમાં 14મીથી 28મી સપ્ટેમ્બર સુધી હિન્દી પખવાડિયાની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, જે અંતર્ગત પલસાણાની એસડીજે સ્કૂલમાં હિન્દી ઉત્સવ નિમિત્તે વકૃત્વ સ્પર્ધા સહિતના કાર્યક્રમો યોજવામાં આવ્યા હતા, જેમાં વિજેતા વિદ્યાર્થીઓને મેડલ અને પ્રમાણપત્ર આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। गुड मॉर्निंग एंड खूब खूब आभार आप सबका जो हम सबको इधर बुलाया और एक पुलिस की जॉब में से आपने हमें चांस दिया यहाँ पे बैठने का और बड़ा मज़ा आया आप सबको देख के। और विशेष मुझे और हंसी आ रही थी, मज़ा आ रहा था क्योंकि मेरे जैसे स्टूडेंट काफ़ी पीछे बैठे हैं जो काफ़ी मज़े ले रहे हैं। आप ही के लिए चीयर सर। विद्या के मंदिर एसटीजे के प्रांगण में उपस्थित मंचस्थ महानुभाव और गेस्ट आप सभी का स्वागत है। मित्रों, सोचने का विषय है हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, जिसकी शुरुआत 2006 में ये घोषणा की गई हिंदी दिवस मनाएंगे। सोचने का विषय है कि हिंदी स्मरण का विषय है या उत्सव का विषय है। मेरा नाम प्राध्यापक रीना टंडेल हूँ। मैं अंग्रेजी विषय की प्राध्यापिका हूँ एसडी जैन इंटरनेशनल कॉलेज पलसाना के अंदर। आज हमारी कॉलेज में हिंदी उत्सव का आयोजन किया गया है। यहाँ पे हम विद्यार्थियों के अंदर हिंदी भाषा को लेके जो निम्न भावना रखी जाती है उससे आगे निकल के हिंदी को जन जन की भाषा बनाने का एक प्रयास हम कॉलेज द्वारा कर रहे हैं। तो हमारे ये महाविद्यालय में विद्यार्थियों के अंदर अंग्रेजी के अलावा जो हमारी मातृभाषा है या फिर हमारी जो भारतीय भाषा है, हिंदुस्तान की जो भाषा है, वो हिंदी भाषा को आगे ले जाने का हम यहाँ पे प्रयत्न कर रहे हैं। उसके साथ हमारे अगर देख लो तो कबीर के दोहे हो या फिर भारतेंद्र जी की ये रचना हो, तो ये सभी चीज़ों को आगे लेके हमें हमारी राष्ट्रभाषा पर गौरव करने का प्रयास हम यहाँ पर कर रहे हैं। थैंक यू। मैं सतेंद्र यादव NYV पलसाना नेहरू युवा केंद्र सुदत युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार। आज का प्रोग्राम ये था सर कि जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है उसके उपलक्ष्य में हमने हिंदी पखवाड़ा मनाने का एक संकल्प लिया था कि हम 15 दिन तक हिंदी पखवाड़ा मनाएंगे। उस हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत हमने आज 26 सितंबर के दिन हिंदी महोत्सव रखा है और हिंदी महोत्सव कार्यक्रम रखा गया है जिसमें समाज को, हमारी युवा पीढ़ी को, युवा वर्ग को और सभी विद्यार्थियों को एक हिंदी की नई पहचान के बारे में और हिंदी को क्या समर्पण है और हिंदी के प्रति हम कितने समर्पण हैं इस बात को आगे बढ़ाने के लिए और हिंदी के बारे में एक विस्तृत जानकारी देने के लिए हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया।